मेरी सांस फूल गया, मुझे लग रहा है मुझे प्यार हो गया है। गाइस अब मैं आपको पीछे से स्क्वाट इसका दिखाऊंगी। करो पीछे से स्क्वाट। कुछ लोग बोलते हैं स्किपिंग अच्छी है, तो कुछ दादी अम्माएं बोलते हैं लड़कियां स्किपिंग नहीं करें। हाय हाउ आर यू गाइस, यस वेलकम टू माय YouTube चैनल मथुराज वर्ल्ड with the one and only Rizwanu and yes we're at Gravity. मैं हूँ आपके host मतीरा। ये मुझसे बहुत सारी चीज़ें करा रहा है। basically इसका goal है कि जो मेरे assets है वो ख़त्म हो जाए, ये मेरे लिए nap की तरह है। yes fat loss हमें करना है और fat loss अगर मतीरा का हो गया तो आप सोचेंगे कितना loss हो जाएगा। हाँ पूरे पाकिस्तान का पाकिस्तान का हो जाएगा भाई, बिल्कुल पाकिस्तान का हमें loss नहीं करना। लेकिन स्लो क्यों चल रही हूँ? वो इसलिए जिंदगी में अगर तेज चलना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं फिर भी स्लो चल रही हूँ तो फिर और बढ़ा रहे थे ये लोग। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के पास घरों में ट्रेडमिल होती है। हाँ। अगर आपके घर में ट्रेडमिल होती है आप क्या करती हैं उसके साथ? मेरे घर में था, हमने वो क्या होता है ताल सिखाए थे। वेरी नाइस। बिल्ली बैठी थी। yes. आहिल का छोटा सा खेलने की जगह थी। आहिल ने वहाँ खड़ा होने वहाँ शुरू किया था। उसूलन होता हर घर में यही है, ये तो मतीरा ने बिल्कुल सही बात बताई है कि टॉवल सूखते हैं या फिर आपके जो गीले कपड़े होते हैं वो आप सुखा देते हैं या फिर आप कुछ भी, या फिर जो बेड शीट्स है वो अमीर लड़की होती है, बड़े वाले जो कुशन होते हैं ना वो यहाँ लगा देते हैं। I swear, हाँ मुझे पता है कि जो लोग यूं कर रहे होते हैं वो क्या होता है। वो थोड़ा सा फैशन में, यू नो फैशन ट्रेंड्स आजकल ज्यादा है और थोड़ा सा इस तरह से दिखाना है आपको तो कैमरा हमेशा से फिर हमेशा पीछे जाता है तो फिर उसकी जो व्यूअरशिप वो बढ़ जाती है। तो एक मिनट, ये बार बार ये फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स, ये जो लोग होते ना, ये जो लोग होते वो बस यूं जाने देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ हमारी फिटनेस मॉडल ऐसी हैं जिनको अगर स्क्वाट करना तो स्क्वाट का हमेशा कैमरा एंगल साइड से होता है लेकिन वो करती है पीछे से रिकॉर्ड। पीछे से रिकॉर्ड करती है तो हम लड़के बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनकी स्क्वाट कहीं और चले जाती है। अब मैं आपको पीछे से स्क्वाट इसका दिखाऊंगी। करो पीछे से स्क्वाट। यस अब बस ज्यादा नहीं, इस ये बहुत वायरल हो जाएगा। ये हो गया हमारी ट्रेडमिल। बट अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है और फिर भी अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको क्या करना है? तो सारी बात बात बताओ, जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, कितने सेकंड्स इंसान को स्पीड पकड़नी है और कितने में स्लो डाउन? बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंटेंसिटी सेट होती है, लेकिन नॉर्मली आप 5 टू 6 की स्पीड पे रखें, एक वॉक से स्टार्ट करें, देन यू कैन गो फॉर द ब्रिस्क वॉक एंड देन गो फॉर द रनिंग। अभी हम जो कर रहे थे दैट वाज अ कंप्लीट बेसिक ब्रिस्क वॉक थी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिस्क वॉक आती है, फिर उसके बाद इंक्लाइन आता है, वी हैव द इंक्लाइन, वी हैव द स्पीड, तो वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान को कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर पीपल हु गॉट हार्ट पेशेंट, डायबिटीज एंड डायबिटिक्स एंड बहुत सारी चीजें। अगर ट्रेडमिल नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? कहां भागे? हम उधर वापस जाएंगे अपनी जगह उधर। ओके सो फाइनली राइट हियर, अब अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो अब आपको मथीरा करके बताएंगे कि आप घर पर बैठ के अपना फैट लॉस एक्सरसाइज किस तरह कर सकते हैं। लाइक वी कैन से द एरोबिक एक्सरसाइज, नॉट एरोबिक। यस हम अरबिक को नहीं करते, अरबिक करते हैं। सो एब्सोल्युटली राइट, सो वापस से हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। यस ओके, मैं लोगों को बता दूं दैट इफ आई एम डूइंग इट एवरीवन कैन बिकॉज़ आई एम 80 केजीस। यस एट द सेम टाइम इतने खुल के वेट देखिए कोई नहीं बताता। हां 80 किलो क्यों, माशाल्लाह फुल मार्श है। नाउ दिस वन, ये है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो। हर एक्सरसाइज को 50 रैप कर लें, 50 रैप्स दिमाग में बिठा लें। हम यहाँ पे सिर्फ 10 रैप करें क्योंकि मतीरा से ज़्यादा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, टाइम का मसला है, मतीरा इसको नहीं कर सकती। साइड साइड बेचारे यूं को नहीं मार। सही है यस 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 यस। ओके ना अब पंचेस करने आपको 50 रैप। 1 2 वाओ 2 1 थोड़ा सा एग्रेसिव पंच, जैसे ये पंच मारे आपको ऐसे पंच नहीं माना है। यू हैव टू मेक एग्रेसिव एग्रेसिव। 1 2 1 2 बीबी का गुस्सा हवा पर ही निकाल लो और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप किसी को भी आपने सामने रखें अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसको पंचेस करें। 1 2 3 और बीबी क्या कर रही, बीबी क्या कर रही, वो इंतजार करें। बेलन मारे जोर से क्या कर। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं वॉल सेट एक्सरसाइज जो कि नॉर्मली खवातीन स्क्वाट नहीं कर सकती, उनके लिए बेस्ट है। इस फॉर्म में होल्ड करें,
हवा पे बैठना, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज. हाथ आपके यहाँ पर होंगे एंड यू हैव टू होल्ड इट एटलीस्ट 1 मिनट एंड 3 राउंड्स करेंगे. कैसा फील कर रही हैं आप? इट्स ऑल बर्निंग ऑन द क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग एंड कॉल्स एंड ऑफ कोर्स द हिप्स. तो इस तरह से होल्ड रखें तो भी आपका स्क्वाट का पूरा प्रेशर आ रहा है. यस, ऑलराइट, नाउ गेट अप. ओके नाउ गाइस, नोजी के प्रेशर का मतलब ये नहीं है. आई हैड अ नोज जॉब डन, तो वो मसल स्ट्रेन होते हैं ना. सही है, देखा, आई एम अ पेशेंट डॉक्टर. अच्छा जी, एक एक्सरसाइज जो कि जंपिंग जैक्स, वो हम इनको बिल्कुल नहीं कराएंगे. नहीं कराएंगे, मैं आपको करके बताता हूँ. जंपिंग जैक्स, उछलो मेरी जान. यस, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट. सो दिस इज अ जंपिंग जैक्स. यू हैव टू स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज और यू कैन गो फॉर द स्किप. अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. एक बड़ी एक चीज है, कुछ लोग बोलते हैं स्किपिंग अच्छी है. हाँ. तो कुछ दादी अम्माएं बोलते हैं लड़कियां स्किपिंग नहीं अगर करें. अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो स्किपिंग होता है ये कि स्किपिंग जस्ट किस ऑन द फ्लोर होता है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यूं करके उछलते हैं. जब इतने हाई जंप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी नीज के ऊपर लोड आता है, लेकिन उसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लुक एट दिस. सो सिर्फ अगर आप ये भी कर लें तो भी काफी है. और एक एक्सरसाइज हम और करेंगे, माउंटेन क्लाइंबर, जो कि आपको भी करनी है. कैसे? इन दिस फॉर्म. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes, keep moving. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, this exercise is good for your core. इसको थोड़ा सा अगर intensity high करनी है, so you have to be like this. थोड़ा सा intensity high करनी है और इसको थोड़ा सा core की तरफ करना है, जिसमें आपको obliques भी train हो जाए. 1, 2, 1, 2, 1, 2. तो ये हैं वो तमाम एक्सरसाइज. नाउ इट्स अप टू यू. यस, दे आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस. आई फील वेरी नाइस, वेरी गुड, रिफ्रेशिंग. मेरी सांस फूल गया, मुझे लग रहा है मुझे प्यार हो गया है. आवाम में यही होता है ना, नींद नहीं आ रही, मुझे लग रहा है प्यार हो गया है. दिल में एक कुछ आया, मुझे प्यार हो गया है. जिस तरह ये प्यार अगर आपको वर्कआउट हो जाए तो यकीन करें आप, तो आप सना फकर की तरह बन सकते हो. ज्यादा हो जाएगा. No, she's beautiful. I love her. Yes, she is the only person who is really good in this. मैंने तो बोला कोई छेड़े ना, मैं सना फकर बुलाऊंगी. तो खैर, ये थी हमारी सारी एक्सरसाइज. बाकी आप ये एक्सरसाइज करें, यकीन जाने थोड़ी बहुत जो आपकी ज़िंदगी रह गई है इसको थोड़ा सा अच्छी तरह गुजार लें, बहुत सारे सिस्टम अच्छे हो जाएंगे. अच्छी बात है ना, अब तुम मुझे सिखाओ और क्या, हमारे सिस्टम आउट हुए हैं भाई. बाय.